السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. कैसे हैं आप सब? जब हम कोई भी एक बात रेगुलर करना शुरू हो जाते हैं या कहना शुरू हो जाते हैं तो हमें उसकी आदत सी हो जाती है, और आदत सी हो जाती है जिस चीज की, फिर वो दिल में से नहीं निकलती बल्कि आदतन हम उसको बोलना शुरू करते हैं। तो माशाल्लाह लहुता इल्ला बिल्ला, आप तो जो भी मुझे देखता है या मिलता है तो मुझे देख के कहता है अल्हम्दुलिल्लाह, नथिंग टू कंप्लेन। लेकिन अपने दिल से सवाल कीजिए, क्या हकीकतन मैं इस बात को मानती हूँ और दिल से कहती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, नथिंग टू कंप्लेन? और अगर दिल से नहीं कहती, आदतन कहती हूँ, तो अपनी नियतों को दोबारा खालिस करते हैं। यहाँ पे हम बैठे हैं सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जानने के लिए, पहचानने के लिए, और इसलिए कि अल्लाह सुभानहू तआला हमें उनका खुद, उनकी मोहब्बत और उनकी शफ़ात नसीब करे और हमारे अमाल को, अफवाल को और अकवाल को ऐसा कर दे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें देख के मुस्कुराए और हम पे प्राउड हो कि हम उनके उम्मती हैं। तो अब मैं दोबारा पूछूंगी आपसे, तो दिल की गहराइयों से इस बात को महसूस करते हुए कहेगा, कैसे हैं आप सर? अल्हम्दुलिल्लाह, इतना मेहरबान है और वो जात इतनी रहीम है, इतनी करीम है कि उसने हमें दीन का रास्ता दिखा दिया, हमारे लिए दीन इस्लाम को चुन लिया, हमें मुसलमान घराने में पैदा किया और हमें कुरान जैसी और सीरत जैसी खूबसूरत नेमत हमारे हाथ में पकड़ा दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को देखते हैं, सैयदना अबू हुरैरा से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने गुमराही वाला कोई रास्ता वजा किया और फिर इसकी पैरवी की गई तो इस पर पैरवी करने वालों के गुनाह के बराबर गुनाह होगा, जबकि इनके गुनाहों में कोई कमी वाकई नहीं होगी। इसी तरह जिसने हिदायत वाला कोई रास्ता जारी किया और फिर इसकी पैरवी की गई तो इस पर पैरवी करने वालों के अजर के बराबर अजर होगा, जबकि इनके अजर सवाब में कोई कमी वाकई नहीं। मुस्नद अहमद की रिवायत है 337। कितनी बड़ी बात है कि अगर किसी ने कोई गुनाह का रास्ता दिखा दिया और उसको देख के बहुत से लोग उसके पीछे चल पड़े तो अपने गुनाह का बवाल तो वो इंसान उठाएगा ही, साथ साथ जितने लोग उसको देख के वो चीज फॉलो करेंगे उनके गुनाह का बवाल भी वो उठाएगा। और इन द सेम वे अगर किसी ने कोई नेकी का रास्ता इख्तियार किया और उसको देख के बहुत से लोग नेक रास्ते पे आए तो तमाम लोगों की नेकियां उसमें ऐड हो जाएंगी। बहुत बड़ा लेसन है हम सब। आजकल मीडिया का दौर है, हर बंदा इंस्टा, फेसबुक, स्नैपचैट, डिफरेंट जो भी आ गई है एप्स, उन पे एक्टिव है। और फर्जों में से एक फर्ज हम अपना ये भी समझते हैं कि हम अपना स्टेटस अपडेट करते रहे, जरा लोगों को तो पता चले कि मैं क्या कर रही हूँ, मैं कैसा फील कर रही हूँ, आज मैं बहुत दुखी हूँ तो चलो कोई दुखी सा स्टेटस लगा देते, आज मैं बहुत खुश हूँ तो कोई खुशी वाला स्टेटस लगा देती हूँ, अब मैं खूबसूरत हो रही हूँ, दुनिया को पता चले मैं कितनी खूबसूरत हूँ, अपनी पूरी नहीं तो कम से कम आधी तस्वीर तो लगा देती हूँ, कुछ होंठ नजर आ जाए या कुछ एक आंख नजर आ जाए या कोई हाथ नजर आ जाए या कोई नाखून ही नजर आ जाए या जो मेहंदी मैंने ईद पे लगाई थी चलो वो ही दिखा देती हूँ, मुंह थोड़े ही नजर आ रहा है। आपको देख के जो लोग अल्लाह के हुक्मों से दूर जाएंगे तमाम का वबाल आपके सर,
इसी तरह जब आप अल्लाह का नाम स्प्रेड करेंगे और आपको देख के जो लोग अल्लाह की तरफ आएंगे तमाम की नेकियों में आप शामिल हो जाएंगे। आज से शुरूरी तौर पे स्टेटस लगाएं। याद रखिए टेक्नोलॉजी बुरी नहीं है, अगर टेक्नोलॉजी ना होती तो मैं दीन का की तालीम हासिल ही ना कर सकती। और इतनी फैसिलिटी है कि घर बैठे आपके घरों में आपको चीज अवेलेबिलिटी है, हर चीज का यूज उसको अच्छा या बुरा बनाता है। तो आज के बाद कोई भी ऐसा काम करे जो आपको पता हो कि मेरे अल्लाह को पसंद नहीं आएगा, तो ये भी सोचिएगा कि आपको देख के जितने लोग उसको फॉलो कर रहे हैं आप पता नहीं किस किस का वबाल लेके फिरेंगे। और अल्लाह सुबहान तआला हमारी मगफरत फरमाए उन तमाम बुरे कामों से जो हमने किए और हमें देख के और उन्हें उसको फॉलो। पिछली नशिस्त में हमने देखा कि कैसे इसरा और मेराज का वाकया पेश आया था, और जल्दी से क्विक रिकैप करेंगे कि इसरा किस सफर को कहते हैं। जी माशाल्लाह, वेरी गुड। जो जमीन का सफर था जो बैत मक्का से लेके बैतुल मुकद्दस तक था उसको इसरा कहते हैं, और मेराज के सफर को कहते हैं। वेरी गुड, शाबाश। तो हमने इसरा और मेराज के बारे में पढ़ा, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, सबसे जरूरी चीज जो दीन की बुनियाद भी है, जो हम पे फर्ज भी है और जिसका कुरान में सबसे ज्यादा जिक्र आया है, क्या तोहफा हमें मेराज के दिन मिला? नमाज का, पांच नमाजों का खूबसूरत तोहफा हमें मिला। और किस किस ने नमाज को तोहफे की तरह पढ़ा, और फर्क पता चला कुछ कुछ फर्क कि जो किसी चीज को इम्पोर्टेंस देके मैं पढ़ती हूँ और आदतन नहीं पढ़ती, क्योंकि हमें भी नमाज की आदत हो जाती है ना, हमने पढ़नी है, काम है जो हमने करना है, लेकिन अगर तोहफा है तो मैंने अच्छी तरीके से उसको खुशी से करना है। अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम देखेंगे कैसे कबाइल और अफराद को इस्लाम की दावत दी गई। एक जमाना था जब वही का नजूल हुआ और फिर खुफिया दावत दी गई, फिर हमने देखा कैसे खुफिया दावत दी गई और आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने इस्लाम कबूल किया, फिर कैसे जब अल्लाह का हुक्म आया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भरे मजमे में सूरह नजम की तिलावत की और खुली तबलीग शुरू हो गई। अब जब खुली तबलीग शुरू हो गई तो डर गए, और जब हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु इस्लाम को कबूल ले आए तो ओपनली बड़े बहादुरी के साथ इस्लाम का इकरार किया जाता था। अब कैसे कबाइल को, डिफरेंट ट्राइब्स को दावत दी गई। और एक दाई दीन के लिए बहुत बड़ा नुक्ता है कि जब आप तबलीग का काम शुरू करें तो किसी भी लोकेलिटी के कुछ लोग होते हैं जिनको लोग मानते हैं, जिनकी बात मानते हैं, सबसे पहले आप उनको अप्रोच करें। जब से अल्लाह ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुलम खुला दावत और तबलीग का हुक्म दिया गया, आपका तरीका ये था कि हज के मौसम और अरब के बाजार के आयाम में आप कबाइल के खैमों और ठिकानों पर तशरीफ ले जाते और उन्हें इस्लाम की दावत देते थे। क्यों हज में क्यों और बाजारों में क्यों? क्योंकि लोग बड़ी तादाद में इकट्ठे होते। तबलीग का और दावत देने का तरीका भी यही है। पहले अगर आप दाई दिन बन रहे हैं तो एक एक करके नेकी की दावत दें, और आहिस्ता आहिस्ता जब आपको लगे कि मुझे ग्रिप हो गई है, मेरा कॉन्फिडेंस सही है और तहकीक मुकम्मल है, तो आप बड़े बड़े ग्रुप्स में दावत दें। जाहिलियत में अरब के मशहूर और मक्का से करीब तरीन बाजार तीन थे, तीन प्रोमिनेंट बाजार थे। जैसे अगर मैं कहूँ सदर, मोती बाजार, राजा बाजार, जो पिंडी के रहने वाले हैं उनको ये बात पता है कि भाई यहाँ पे बहुत रश होता है, यहाँ पे बेची थी। ठीक, तो अरब में और मक्का से करीब तीन बाजार थे, इनका नाम था उकास, मजिन्ना और जुल मजाज। उकास नखला और ताइफ के दरमियान एक बस्ती थी जहां पहली जिकदा से 20 जिकदा तक बाजार लगता था। इसके बाद लोग मजिन्ना मुंतकिल हो जाते थे, वहां जिकदा के तखात्मे तक बाजार लगता था। मजिन्ना मक्का से नीचे वादिये मुलुल जहरान में एक मकाम का नाम है। जुल्मिजाज, जुल्मिजाज जबले अरफा यानी जबले रहमत के पीछे है, वहां पहली जिलहजा से 8 जिलहजा तक बाजार लगता था। इसके बाद लोग मनासे के हज की अदायगी के लिए फारिग हो जाते थे। जो लोग शॉपिंग के आदि, उन्हें पता है कि अब सीजन एंड हो रहा है तो समर्स की सेल लगी, और लोगों को पता होता है कि सेल कौन से महीने में। तीन मेन बाजार थे जिनका नाम था उकास, मजिन्ना और जुल्मिजाज,
उनकी डेट्स डिवाइड की गई। उकाज में बाजार कब लगता था? पहली जिकदा से 20 जिकदा तक। मजन्ना में बाजार कहाँ लगता था? जिकदा के एंड से। और जो तीसरी जगह थी जुलमिजाज, वहां पहली जिलहजा से 8 जिलहजा तक बाजार लगता था, और उसके बाद हज के मनासिक अदा किए जाते थे। एक बहुत बड़ा अमल का नुकता, और एक बात जो बीइंग मुस्लिम हमें पता होनी चाहिए कि जो बंदा हज के लिए जाता है वो अपना ज्यादा राह और सामान साथ लेके जाए, लेकिन अगर वो तिजारत के गर्ज से कोई चीज साथ लेके जाता है तो इस्लाम में ये अलाउड है। आप कर सकते हैं तिजारत, आप वहां जाके कोई चीज लेके जा सकते हैं, वहां फरोख्त कर सकते हैं। तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। जिन कबाइल को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की दावत दी और इस मकसद के लिए आपने उनसे पनाह और मदद चाही, उनके नाम ये थे। नाम हो सकता है थोड़े से आपको मुश्किल लगे, सुन लीजिए, जरूरी नहीं है कि आप याद करें। बनु आमिर बिन सासा, बनु महारिब बिन हफ्सा, बनु फजारा गुस्सा, बनु फजारा हसान और मुर्रा, बनु हनीफा, बनु सलीम, बनु हफ्स, बनु नजर, बनुल बका, किंदा और कल्ब, बनुल हारिस बिन काब, अजरा और हजारेमा। इनमें से किसी ने भी आपकी दावत कबूल नहीं। हम चाहते हैं ना कि हम कोई भी काम करें, हम पहली गो में ही फर्स्ट आ जाए, हमारा नाम रोशन हो जाए। अगर मैंने तजवीज शुरू की है तो मैं तो शुरू से इतनी अच्छी पढ़ू कि वो, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब कितना अरसा हो गया दावत दे रहे हैं, लेकिन किसी ने भी इस्लाम कबूल ना किया। लेकिन इनके जवाबात और अंदाज मुख्तलिफ थे। हर बंदा डिफरेंट एक रीजन पेश करेगा। अगर हम बहुत से लोगों को कहते हैं जी आइए हम सीरत की क्लास दे रहे हैं, कोई कहेगा जी छुट्टियां हैं, बच्चे घर में है, मैं नहीं आ सकती। कोई कहेगा मेरे मियाँ के जाने का वक्त होता है। कोई कहेगा कि मेरे मसरूफ हूँ, घर के काम है। मतलब हर बंदा डिफरेंट रीजन। इसी तरह डिफरेंट कबाइल के सरदारों ने डिफरेंट रीजंस दिए। किसी ने बेहतरीन जवाब दिया, किसी ने आपके बाद अपने लिए सरदारी की शर्त लगाई, ठीक है मैं मान लूंगा लेकिन इसके बाद आप मुझे सरदार बना देंगे। और वो ये नहीं जानते थे कि ये सरदारी नहीं, ये अल्लाह की तरफ से नबूवत है। किसी ने कहा आपका खानदान और कबीला आपको बेहतर जानता है और इससे आपकी पैरवी नहीं की। किसी ने बुरा जवाब दिया, और इनमें सबसे बुरा जवाब मुस्लिमा कजाब के गिरोह बनू हनीफा ने दिया। सबसे बुरा जवाब किसने दिया? मुस्लिमा कजाब के गिरोह बनू हनीफा। बहुत से लोगों को दीन फॉलो करते हुए हम देखते हैं लेकिन उनकी औलादें फॉलो नहीं कर रही, और बड़े हम आराम से कह देते हैं खुद तो बड़ी दीनदार बनती है, अपनी बेटी को तो देख ले, अपने बेटे को तो देख ले। और यहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या ताना दिया जा रहा है कि आपका खानदान और आपका कबीला आपको बेहतर जानता है, उन्होंने तो आपकी पैरवी नहीं की। इतनी सख्त बात है, और इस पे हमारी टीचर ने भी हमें बार बार समझाया, कभी किसी को ऐसे बात, अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बस चलता और आपके अंदर हिम्मत होती, सबसे पहले आप ना चाहते कि आपके चचा ही इस्लाम ले आते। लेकिन हम बार बार पढ़ चुके हैं कि हिदायत देना सिर्फ अल्लाह के हाथ में, हर बंदा अपनी फिक्र करेगा। और अगर देखता है कोई दीनदार है, कोई कोशिश कर रहा है, लेकिन उसकी औलाद या उसके घर वाले या उसके बहन भाई उस रविश पे नहीं है, तो कभी किसी को इसका ताना ना दे, क्योंकि आप भी वही कर रहे हैं जो एक दौर पे मुश्रिकीने मक्का ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ किया था। ईमान की शौएं मक्का से बाहर, जिस जमाने में इस्लामी दावत मक्का के अंदर मुश्किल तरीन मरहले से गुजर रही थी, अल्लाह ने मुकद्दर कर रखा था कि इसी जमाने में मक्का से बाहर कुछ लोग ईमान लाएं। यूं इनकी हैसियत उम्मीद की चिंगारी की थी जो मायूसी की तारीखियों में चमकी। इनमें से बास के नाम ये थे। मक्का में जब सामने लोग देख रहे थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनको शक्के कमर का वाकया भी दिखाया जा रहा है, वो सामने एक अल्लाह के नबी को देख रहे हैं लेकिन नहीं मान रहे। और ऐसे ही था कि कुछ लोग दूर से सुन के ईमान ले आए। एग्जैक्टली ऐसी है कि हम इतने लोग क्लास में बैठे हुए हैं, इतने लोग ऑनलाइन भी मेरे साथ ही है, बहुत से लोग ऑनलाइन ऐसे जिनको मैं नहीं जानता, अल्लाह ने उनको मुख्तलिफ जगह से चुना, वो हमारे साथ कनेक्ट हुए और वो हमारे साथ बैठ गए। लेकिन बहुत से पास वाले ऐसे हैं जो जानते भी हैं लेकिन अल्लाह ने उनको तौफीक नहीं, क्योंकि अल्लाह ही चुनने वाला है। सुवैद बिन सामित रजी अल्लाह ताला अन्हो, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। ये शायर थे, गहरी सूझबूझ के हामिल और यसरब के बाशिंदे थे। इनके शर्फ और शेर कोई की वजह से इन्हें कामिल कहा जाता था। इतने इंटेलिजेंट थे कि लोग इनको कामिल कहते थे। ये हज और उमरे के लिए मक्का तशरीफ लाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें इस्लाम की दावत दी
उन्होंने आप पर हिकमत लुकमान पेश की, आपने इन पे कुरान पेश किया और वो मुसलमान हो गए। कहने लगे ये बेहतरीन कौल है। फिर वो बुआज की जंग से पहले औस और खिजरत के दरमियान एक लड़ाई में शहीद हो गए। जिसने मानना है उसे फौरन मान जा, उसने कोई बहस नहीं करनी, उसने ये नहीं कहना कि ये नहीं वो नहीं, उसने फौरन मान जाना है। अयास बिन माज रजीरा ताला अनहो, ये यसरब के बाशिंदे थे। यसरब किस शहर का पुराना नाम है? मदीना। ये यसरब के बाशिंदे थे, नौखेज नौजवान थे। सन 11 नबी के अवायल में औस की एक वक्त के हमरा मक्का तशरीफ लाए, जो कुरैश से खिजरत के खिलाफ हिल्फ ताउन चाहता था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म हुआ तो आप इनके पास तशरीफ ले गए, इन्हें इस्लाम की दावत दी और कुरान की तिलावत फरमाई। अयास ने कहा, वल्लाह ये इससे बेहतर है जिसके लिए आप लोग तशरीफ लाए हैं। इस पर वक्त के एक रुकन अबुल हैसर बिन बक्हा की कंकरियां उठाकर अयास के मुंह पर दे मारी और कहा, ये बात छोड़ो, यहाँ हम दूसरे मकसद से आए हैं। चुनाचे वो खामोश हो रहे और यसरब वापस आकर जल्द ही वफात पा गए। वफात के वक्त वो तहलील और तकबीर और हमद व तस्बीह कर रहे थे, इसलिए इनकी कौम को कोई शुबा नहीं कि इनकी वफात इस्लाम पर हुई। बहुत से लोग होते हैं जो चाहते हैं कि दीन को मान लो और अंदर से जानते हैं कि हक क्या है, लेकिन पीयर प्रेशर में लोग क्या कहेंगे या अपने इर्द गिर्द गिरोह की वजह से ईमान खुल के नहीं लाते, लेकिन उनके दिल जानते हैं। और अल्लाह ताला कितना रहमान है, कितना रहीम है, जो दिल से एक दफा कबूल कर ले अल्लाह ताला उसको भी माफ कर ले। ताकि मौत के वक्त उन्होंने उस वक्त वो चुप हो गए, उनके साथी ने कहा जो करने आया वो करो, वो खामोश हो गए, लेकिन क्या हुआ कि मरते वक्त आपकी जबान पर कलमा जारी था। अबू जर गफारी रजी अल्लाह ताला अन्हो, उन्हें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बासत की इतला सवैद बिन सामिद और अयास बिन माज रजी अल्लाह ताला अन्हो से मिली। उन्होंने पता लगाने के लिए अपने भाई को मक्का भेजा, वो गए और वापस आए, लेकिन तसल्ली ना कर सके। चुनाचे हजरत अबू जर रजी अल्लाह ताला अन्हो खुद निकले और मक्का पहुंचकर मस्जिद हराम में जा उतरे। तकरीबन एक महीना मस्जिद हराम में ही रहे और जमजम का पानी पीते रहे, जो खाना और पानी दोनों का काम देता था, लेकिन जान के डर से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लिक किसी से ना पूछते थे। बिलाखिर हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला इनको अपने पीछे पीछे ले गए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जा मिलवाया। हजरत अबू जर रज़ी अल्लाह ताला उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया, इस्लाम पेश फरमाइए। आपने इस्लाम पेश किया और वो वही मुसलमान हो गए। फिर उन्होंने मस्जिद हराम में आकर ऐलान किया, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और गवाही देता हूँ कि मोहम्मद अल्लाह के बंदे और इसके रसूल हैं। ये सुनना था कि कुरैश इन पे टूट पड़े, इतना मारा कि अधमुआ कर दिया, लेकिन अब्बास रजी अल्लाह ताला उन्होंने इनको बचा लिया। दूसरे दिन आकर फिर यही ऐलान किया और कुरैश ने फिर इतना मारा कि करीबुल मर्ग हो गए। कल की तरह आज भी अब्बास रजी अल्लाह ताला उन्होंने आकर इनको बचाया। इसके बाद हजरत अबू जर रजी अल्लाह ताला उन्हों अपनी कौम बनु गफार में वापस आ गए और जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत फरमाई तो वो भी मदीना हिजरत कर आए। सहाबा कराम की जिंदगी और कबूल इस्लाम के वाकयात जब हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि हमें तो जो इस्लाम प्लेट में रखे हमारे सामने पेश कर दिया गया, उन्होंने तो इस्लाम की खातिर बहुत तकलीफ उठाई। उस जमाने में हिजरत इतनी आसान नहीं थी कि गाड़ी में बैठो और दूसरी जगह पहुंच जाओ, कहीं कहीं माह का सफर। दिल में लौ लगी, भाई को भेजा, भाई ने कहा कि सही है, दिल को तसली ना हुई, खुद मक्का आए, कई दिन तक सिर्फ आबे जमजम पीते रहे, लोगों से ना पूछा कि मोहम्मद कौन है या दीन इस्लाम क्या है, क्योंकि लोगों से डर था। हजरत अली को जब पता चला वो लेके गए, इस्लाम कबूल कर दिया और जाके डट के कहा कि मैं तो ईमान ले आया, लोगों ने मारा तो क्या डर गए? नहीं, अगले दिन फिर खड़े हो गए कि मैं तो इस्लाम कबूल आया ले आया, लोगों ने फिर मारा, फिर हजरत अब्बास ने बचाया और फिर हिजरत जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की तो वो भी मदीना में चले। एक एक सहाबी एक एक मोती की तरह एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बात है उनका ईमान, उनका खलूस दिल, उनका हकीकी ईमान और जज्बा कि अल्लाह ही है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही है। जिसका गोल ये हो
कि मेरा फोकल पॉइंट सिर्फ अल्लाह है और उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैरवी मैंने करनी है ताकि मैं बेहतरीन तरीके से जिंदगी गुजारूं, वो डट के पूरी दुनिया के सामने खड़ा हो जाता है। तो फैल बिन अमरो दौसी ये शायर थे, गहरी सूझबूझ के मालिक थे और यमन के करीब वाके कबीले दोस्त के सरदार थे। सन 1190 में मक्का तशरीफ लाए तो अहले मक्का ने बढ़कर इनका इस्तकबाल किया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस कदर डराया कि जब वो मस्जिद हराम में आए तो कान में रुई ठूस दी। मक्का वालों की एक साजिश जो हमने पीछे पढ़ी थी वो ये भी थी कि जैसे ही कोई एंटर होता था बैतुल्ला के तवाफ के लिए तो कहते थे कि एक जादूगर आ गया है, वो जादू करता है, कानों में रुई ठूस देना, उसकी बात ना सुनना, ऐसे करते थे ना वो, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। तो जब उन्होंने इतना डराया गया कि वो जब मस्जिद हराम में उन्होंने कानों में रुई ठूस ली कि कहीं आपको कोई बात सुनाई ना पड़ जाए, मगर हुआ ये कि इस वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना काबा के पास खड़े नमाज पढ़ रहे थे, आपकी आवाज इनके कान में पड़ ही गई। उन्होंने जो कुछ सुना बहुत अच्छा महसूस किया, दिल ही दिल में कहने लगे मैं सूझबूझ रखने वाला शायर हूँ, मुझसे भला बुरा छुपा नहीं रह सकता, भला बुरा छुपा नहीं रह सकता, फिर मैं क्यों ना इस शख्स की बात सुनूं, अगर अच्छी हुई तो कबूल कर लूंगा, अगर बुरी हुई तो नहीं मानूंगा। तो मैं तो समझदार बंदा हूँ, मैं सुन लेता हूँ, अगर अच्छी हुई तो मान लूंगा, ना हुई तो नहीं मानूंगा। चुनाचे जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर तशरीफ लाए तो वो भी आपके पीछे हो लिए और घर के अंदर आके आपसे अपना वाकया बयान किया और अर्ज की कि आप अपना दीन पेश करें। आपने इस्लाम पेश किया और कुरान की तिलावत की तो फैल बिन अमर दौसी ने इस्लाम कबूल कर लिया, हक की शहादत दी और अर्ज की कि मेरी कौम में मेरी बात मानी जाती है, मैं इनके पास पलट कर जा रहा हूँ और इन्हें इस्लाम की दावत दूंगा, लिहाजा आप अल्लाह से दुआ फरमाएं कि मुझे कोई निशानी दे दे। आपने दुआ फरमाई, चुनाचे जब वो अपनी कौम के करीब पहुंचे तो इनका चेहरा चिराग की तरह रोशन हो गया। उन्होंने अल्लाह से दुआ की इसे चेहरे के बजाय कहीं और मुंतकिल कर दीजिए, चुनाचे ये रोशनी इनके कोड़े में पलट आई। जब वो अपनी कौम में पहुंचे तो उसे इस्लाम की दावत दी, वालिद और बीवी ने इस्लाम कबूल कर लिया मगर कौम ने ताखीर की, लेकिन जब उन्होंने सुलह हुदैबिया के बाद मदीना हिजरत की तो इनके साथ इनकी कौम के 70 या 80 घराने थे। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला ने कभी किसी एक बंदे से बहुत काम लेना होता है, उसके जरिए, उस चराग के जरिए वो बहुतों को हिदायत दे देता है। आज हो सकता है जाहिरी तौर पे आपसे कोई दीन वाला मिले, आपको दीन की दावत दे, उसके मुंह पे नूर ना हो या उसके हाथ में कोई चराग ना हो, लेकिन उसकी जबान में अल्लाह ने ऐसी तासीर दी हो कि बहुत से लोग ले आए। कभी भी दावत देना, अच्छी बात कहने को छोटी चीज ना समझो। कहीं महफिल में बैठे हैं ना, एक दफा अल्लाह का जरूर जिक्र करें, क्योंकि वो महफिल किसी काम की नहीं जिसमें अल्लाह सुभान व तआला को याद ना किया जाए। और जब मैं ये वाकया पढ़ रही थी तो अभी हज के मौके पे एक बंदे बहुत वायरल हुए थे, नाम मेरे सेंसेस की हो गया, जो पहले क्रिश्चियन फादर थे और अल्लाह ने उन्हें ख्वाब में दिखा दिया कि उन्होंने सफेद कपड़े पहने, उन्हें समझ आ गई, इस्लाम कबूल किया और उनकी वजह से उनकी पूरा चोर जो था वो मुस्लिम हो गया। अल्लाह जिसको चुन ले, और चुनता अल्लाह किन बेसिस पे है, उनके अंदर खैर लाजमन होगी, उनके अंदर हक लाजमी होगा, वो लोगों का ख्याल लाजमी रखते होंगे, वो अपनी शरीयत में बिल्कुल सही होगा। अगर हम चाहते हैं हम चुन लिए जाए, हमें से कौन कौन चाहता है कि चुन लिया जाए, तो अपने आप से ये भी सवाल कीजिए कि चुने जाने के लिए क्या एक्स्ट्रा एफर्ट है जो मैं कर रही हूँ, क्या एक छोटी सी एक्स्ट्रा बात है जो मैंने अपना ली है, क्या मैंने अपने दिल को साफ कर लिया है, क्या मैं लोगों की हिब्बत नहीं करती या किसी का बुरा नहीं चाहती, मेरे अंदर जो बुराई थी, गुस्सा करना, हसद करना, गीबत करना, गैर महरों से दोस्ती करना, कौन सी ऐसी चीज है जो मैंने अल्लाह के लिए छोड़ी है। आप अल्लाह के लिए जो चीज छोड़ेंगे ना, अल्लाह आपको बेहतरीन अजर देगा। लेकिन चुने जाने की बहुत बड़ी शर्त क्या है, हिजरत करनी पड़ेगी, अपने गुनाहों से हिजरत, अल्लाह की तरफ हिजरत। जमात अजदी रजी अल्लाह ताला अन्हो ये यमन के बाशिंदे और कबीले यमन के बाशिंदे थे। झाड़ फूंक के जरिए से पागलपन दूर करना और जिन शयातीन भगाना इनका काम था। मक्का आए तो वहां के अहमकों से सुना कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पागल हैं, चुनाचे वो आपका इलाज करने के लिए आपके पास आए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सारी तारीफ अल्लाह ही के लिए है,
हम इसकी तारीफ करते हैं और इसी से मदद चाहते हैं। जिसे अल्लाह हिदायत दे दे इसे कोई गुमराही नहीं कर सकता, जिसे अल्लाह गुमराह कर दे उसे कोई हिदायत नहीं दे सकता। और मैं शहादत देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वो तन्हा है, इसका कोई शरीक नहीं। और मैं शहादत देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और रसूल हैं। जमात ने ये कलमात सुने तो इस कदर मुतासिर हुए कि उन्हें तीन बार दोहराने की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाइश की। फिर कहा, मैं काहिनों, जादूगरों और शायरों की बात सुन चुका हूँ, लेकिन मैंने आप जैसे कलमात कहीं नहीं सुने। ये तो समंदर की अतः गहराई को पहुंचे हुए हैं। लाइए, हाथ बढ़ाइए, आपसे इस्लाम पर बैत करूं। और उन्होंने बैत कर ली। हकीकतन चुनने वाला सिर्फ मेरी अल्लाह की जात है, ये अल्लाह हमें डिफरेंट तरीके से बार बार बता रहे हैं। कैसे अल्लाह सुभानो ताला उन लोगों को जो एक्सट्रीम दुनिया में इन्वॉल्व होते हैं चुन लेता है। और इसकी बहुत बड़ी एग्जांपल हमारे दौर में जुनैद जमशेद। अल्लाह ताला उनके दर्जे बुलंद करे, उनको आला दर्जे दे जन्नत के, उनके लिए आसानियां करे। एक ऐसे लाइफ स्टाइल में इंतहाई खूबसूरत अल्लाह ने उन्हें बनाया, मशहूर। उस वक्त उनके कॉन्सर्ट्स अमेरिका और पता नहीं कहाँ कहाँ होते थे। उस वक्त अल्लाह ने उनको चुन लिया और उनके दिल में खटका डाल दिया जब वो पीक ऑफ देयर कैरियर में थे। कैसे अल्लाह ने उन्हें चुन लिया? अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह हम सबको चुन ले। यहाँ पे हमारा मक्की दौर मुकम्मल हो गया। कैसे आपने 13 सालों की कश्मकश को पढ़ लिया? अल्लाह सुभान व तआला हमें आगे लेके जाए। अब हम आगाज करेंगे हिजरत मदीना का। कैसे मदीना की तरफ हिजरत की गई और कैसे रास्ते पैदा हुए जिनसे मदीना की तरफ जाया जाए। बैरून मक्का जिन इब्तदाई सआदतमंदों ने इस्लाम कबूल किया, इनके ऊपर बयान किए गए 5 अफराद के बाद इन 6 के ताल्लुक मदीना के कबीले खजरज से हैं। इनके नाम ये हैं, असद बिन जुरारा, औफ बिन हारिस बिन रफा, राफे बिन मालिक बिन उजलान, खुतबा बिन आमिर बिन हदीदा, अकबा बिन आमिर बिन नाबी, जाबिर बिन अब्दुल्ला बिन रायब। ये लोग सन 1190 में हज के लिए आने वालों के हमरा थे। इधर अहले यसरब जब कभी यहूद को जंग वगैरह में जख्म पहुंचाते तो इनसे सुना करते थे कि एक नबी इस वक्त भेजा जाने वाला है, इसकी बासत का जमाना आ लगा है, हम इसके मैयत में तुम्हें आद और इरम की तरह कत्ल कर देंगे। चुनाचे ये लोग मन्ना की घाटी में रात के वक्त बातें कर रहे थे कि वहां से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुजर हुआ। आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह सुभान व तआला ने क्या किया कि बाहर के लोगों ने इस्लाम कबूल करना शुरू किया। जब बाहर के लोगों ने इस्लाम कबूल करना शुरू किया तो वर्ड स्प्रेड होना शुरू किया कि जो आता तवाफ के लिए, बैतुल्लाह का तवाफ तो तब भी किया जाता था, वो सुनता, बहुत से लोग इस्लाम कबूल करते वापस अपनी जगह जाते और इस्लाम को स्प्रेड करना शुरू किया, तो लोगों को पता चलना शुरू किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए हैं। इसी तरह मदीना, यसरब किसका नाम है पुराना, मदीना का, वहां से लोग आए और मन्ना के मकाम पर बैठे थे और ये बातें कर रहे थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से गुजरे और उनसे पूछा आप कौन लोग हैं। उन्होंने कहा खजरज का एक गिरोह है। खजरज एक कबीले का नाम है। ओस और खजरज उस वक्त के बहुत मशहूर कबीले थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यानी यहूद के हलीफ बोले हाँ। फरमाया फिर क्यों ना आप हजरात बैठे कुछ बातचीत की जाए। कितने प्यार से, क्यों ना आप लोग बैठे कुछ बातचीत की जाए। उन्होंने कहा क्यों नहीं। चुनाचे वो आपके हमरा बैठ गए, आपने इन पर इस्लाम की हकीकत वाजे की, कुरान की तिलावत की और अल्लाह अज़वाजल की तरफ दावत दी। फिर इस पर उन्होंने एक दूसरे से कहा, देखो ये तो वही नबी मालूम होते हैं जिनके हवाले से यहूद तुम्हें धमकियां दिया करते थे, लिहाजा वो तुम पर सबकत ना करने पाए। चुनाचे उन्होंने फौरन इस्लाम कबूल कर लिया और कहा कि हम अपनी कौम को इस हालत में छोड़कर आए हैं कि किसी और कौम में इन जैसी दुश्मनी नहीं, मतलब कि वहां बहुत लड़ाई हो रही है, वो लड़ते हैं आपस में, बस अगर अल्लाह ताला आप पर इनको इकट्ठा कर दे तो आपसे बढ़कर कोई और मुअज्जिज ना होगा। अगर अल्लाह सुभान व तआला उन सबको आप पे इकट्ठा कर दे तो क्या होगा, सुकून हो जाएगा और आपसे ज्यादा कोई मुअज्जिज ना होगा। उन्होंने वादा किया वो इस दीन की दावत देंगे और आइंदा हज में आपसे फिर मुलाकात करेंगे।
इतनी बड़ी जिम्मेदारी जिसको छोड़ के, जिसको पसे पुश डाल के आज का मुसलमान बैठा हुआ घरों में हांडियां बना रहे, रोटियां बना रहे, अपना किबला खाना पीना ऐश इशरत दौलत कमाना, बच्चों की शादियां, बच्चों की तालीम करती है, वो क्या है? हम तो इस्लाम को भूल गए। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डर जाते, दीन की तब्दील ना करते, या वो हजरात जो इस्लाम पे ईमान ले आए थे वापस अपनी जगह जाके दीन को स्प्रेड ना करते, तो क्या दीन फैलता? और अगर आज जो हम सोए में घरों में सोए हुए पड़े हैं, एक क्रिश्चियन की मैं देख रही थी वीडियो, बहुत रो रही और काफी उम्र की, और कह रही थी कहाँ थे वो लोग जिन्होंने इस्लाम लेकर आना था, मुझे क्यों इतना लेट इस्लाम मिला है, अगर मुझे पहले मिलता तो मैं ईमान ले आती। हम जो घरों में सोए पड़े हैं, क्या हमें लोग पकड़ पकड़ के, गिरेबान से पकड़ के नहीं कहेंगे कि तुम तो मुसलमान थी, तुम्हें तो पता था दीन इस्लाम क्या है, तुमने क्यों नहीं मुझे बताया? आज तो हम अपने मुसलमान बहन भाइयों को कहते हुए डर रहे हैं। इतना खौफ दुनिया का, इतना खौफ कि वो क्या कहेगी, बड़ी मुसलमानी हो गई है, बड़ी एक्सट्रीमिस्ट हो गई है। हाँ हो गई, क्योंकि मुझे अल्लाह से मोहब्बत हो गई है। हमने इस दावत को सिर्फ अपने तक मखसूस नहीं करना, याद रखिए कल को अल्लाह जाने कौन कौन हमारा गिरेबान पकड़ेगा। हम कहेंगे हम तो तुम्हें नहीं जानते, तुम मुसलमान थी, हम कहेंगे हाँ, तो क्यों नहीं दावत हम तक पहुंचाई? हमारे घरों में काम करने वाली हेल्पर से लेके हमारे इर्द गिर्द मौजूद हर एक बंदे पे हम पे फर्ज है हम उसे दावत दें। अगर हम ज्यादा दूर नहीं जा सकते, कम से कम यहाँ तो करें पूरी अपनी ये चीज। हम कहते हैं नहीं नहीं वो तो काम करने वाली है, उसको अकल नहीं है। क्यों? वो अल्लाह की बंदी है। आपका एक पौधा लगाया हुआ क्या पता कहाँ तक बढ़ चला जाए। इस दावत के हक को पहचानिए और इस पे अमल कीजिए। वादे के मुताबिक पहली बैते उकबा, वादे के मुताबिक अगले साल सन 12 नबी के मौसम हज में 12 आदमी हासिल हुए, 10 हिजरत से और 2 औस से। मैंने बताया औस और हिजरत दो कबीले थे। कौन से दो कबीले हैं? औस और हिजरत, औस और हिजरत, औस और हिजरत। तो पहले सिर्फ हिजरत से लोग आए, अब 10 लोग हिजरत से थे और 2 औस से थे। हिजरत के 10 आदमियों में से जाबिर बिन अब्दुल्ला बिन रायब को छोड़कर बाकी 5 तो वही थे जो पिछले साल आ गए थे, और नए 5-6 थे, मास बिन हारिस, ज़खवान बिन अबुल कैस, उबादा बिन सामित, यजीद बिन सालिबा, अब्बास बिन अबादा बिन नजला, और कबीला औस के 2 आदमी ये थे, अबुल हैसम बिन अल्तिहान, अवीम बिन सायदा। ये लोग मन्ना की घाटी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जमा हुए। आपने उन्हें इस्लाम सिखाया और फरमाया आओ मुझसे इस बात पर बैत करो कि अल्लाह के साथ किसी चीज को शरीक नहीं करोगे, चोरी ना करोगे, जना ना करोगे, अपनी औलाद को कत्ल नहीं करोगे, मन घड़त बोहतान ना लगाओगे और किसी भली बात में मेरी नाफरमानी नहीं करोगे। अब जिस शख्स ने ये सारी बातें पूरी की तो इसका अजर अल्लाह के पास है, और जो शख्स इनमें से किसी चीज का इर्तकाब कर बैठा और इस दुनिया ही में इसने इसकी सजा दे दी गई तो ये इसके लिए कुफारा है, और जो शख्स इसमें से किसी चीज का इर्तकाब कर बैठा और अल्लाह ने इस पर पर्दा डाल दिया तो इसका मामला अल्लाह के हवाले है, चाहे तो सजा दे चाहे तो माफ करे। इस पर लोगों ने आपसे बैत कर अमल के नुक्ते अपने लिए देखें। क्या फरमाया था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैत लेते हुए? किसी को अल्लाह के साथ शरीक नहीं करोगे। लिखिए आज के बाद मैं किसी को अल्लाह के साथ शरीक नहीं करूंगी। कभी मेरे दिल में ये नहीं आएगा कि फलाना क्या कहेगा या लोग क्या कहेंगे, मेरे अल्लाह का हुक्म है मैं फौरन मान जाऊंगी, क्योंकि अगर एक दफा भी ये ख्याल आ गया तो शिर्क खफी है। मैंने अपनी प्रायोरिटीज को तब्दील कर दिया, चोरी नहीं करूंगी। चोरी बजाय सिर्फ ये थोड़ी होता है कि चीज उठा लेना। अगर मैंने कमिटमेंट की है कि मैं एक ऑनलाइन कोर्स कर रही हूँ, मैं करूंगी, और मैं काम भी कर रही हूँ साथ में, वो भी कर रही हूँ, और मैं सही तरीके से नहीं कर रही, हाँ जरूरी जो काम आ गया उसको छोड़ के, क्योंकि अल्लाह ताला जानता है मैं अगर करी तो मैं वक्त की चोरी कर रही हूँ। अगर मैंने किसी कहीं जगह काम करने की कमिटमेंट की हुई है लेकिन मैं अपना फर्ज अदा नहीं कर रही, मैं उस काम की चोरी कर रही। मैंने किसी ने मुझे कोई बात कहा, किसी को नहीं बतानी, मैंने जाके किसी को बता दी, मैंने उसकी बात की चोरी। चोरी को हमने जस्टिफाई नहीं करना, चोरी ना करूंगी, जना ना करूंगी। जना सिर्फ ये थोड़ी होता है कि फिजिकल रिलेशन मेल और फीमेल का कायम किया जाए। आंखों का जना क्या है? गैर महरमों को गलत तरीके से देखना। हाथों का जना क्या है?
फेसबुक इंस्टा या किसी भी सोशल मीडिया पे जाके उनकी पिक्चर्स को लाइक करना, उनको सब्सक्राइब करना, कदमों का जना क्या है, चल के उनकी तरफ जब जाना, जबान का जना क्या है, उनसे गंदी गुफ्तगू और बातों। अल्लाह ताला हमें इन तमाम जना से बचाए। अपनी औलाद को कत्ल ना करूंगी। जब हम आंख कान हाथ पांव का जना कर बैठते हैं तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि खुदा ना खासा कोई फिजिकल रिलेशनशिप में आ जाए। और आज बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है इतनी ज्यादा एबॉर्शन लेट है मुसलमान अनमेरिड बच्चियों की। खुदारा इतना बड़ा गुनाह है, आपसे गुनाह हो जाएगा, उसको बचाने उसको खत्म करने के लिए, उसको वाइप ऑफ करने के लिए कौन गुनाह करेंगे कि एबॉर्शन कराएंगे। और ये बात बड़ा बड़ा लिखने, एबॉर्शन बहुत बड़ा गुनाह है। आप एक जान का कत्ल कर रहे हैं, आप किसी तरह इसको जस्टिफाई नहीं कर सकते, ये तो समझा ही नहीं जाता गुनाह। यहाँ तो बड़े मजे से जी बच्चा नहीं चाहिए, जाया कर दो, मैरिट होते जाके करा दिए, एबॉर्शन एक गुनाह है। मन गलत बोहतान नहीं लगाऊंगी, मुझे कोई बंदा नहीं पसंद, मैं अपनी मर्जी से कोई कहानी बना के उसके बारे में चिपका दू, इतना बड़ा बोहतान है। आज तो हम बड़ी जल्दी से बोहतान लगा देते हैं, चाहे कोई एक्टर हो, चाहे कोई एक्ट्रेस हो, चाहे अल्लाह का कोई बंदा हो, चाहे मुसलमान हो गैर मुसलमान हो, हम किसी पे बोहतान नहीं लगा सकते। अगर आपने झूठ बोला, ऐसी बात की जो आपने खुद ही बना ली या आपने कहीं से सुनी और तस्दीक नहीं की, वो झूठ होगा तो वो क्या बन जाएगा, बोहतान। मैं किसी पे बोहतान नहीं लगाऊंगी किसी भली बात में, और मैं क्या करूंगी, अपने बहन भाइयों की मदद करूंगी। ये तबलीग तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस सब के मुशरिकीन को, और आज हम मुसलमान होते हुए भी ये सब काम करेंगे, अपने लिए करेक्शन पॉइंट्स और असेसमेंट्स पॉइंट्स बनाते जाएंगे। ये थी पहले बैत अकबा, पहली बैत जो की गई यसरब में इस्लाम की दावत। इसके बाद जब ये लोग वापस हुए तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके साथ हजरत मौसब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को रवाना फरमा दिया और वो लोगों को कुरान पढ़ाएं और दीन सिखाएं। जो लोग यहाँ पे आते हैं ना, देखिए हम लोग अभी बहुत, हमारी कोई ना औकात है ना मेरी औकात है, हम बहुत छोटे छोटे से लोग हैं, कम से कम क्या कर सकते हैं, जो बात अच्छी लगती है ना घर में जाके जरूर बताओ, अम्मी को बताओ, बहन को बताओ, भाई को बताओ, अपने प्यारों को बताओ, अपने सर्वेंट्स को बताओ, अपने मिलने जुलने वालों को बताओ। अगर किसी ने एक बात भी अपना ली तो अभी हमने शुरू में क्या पढ़ा कि जब तक वो उस बात को फॉलो करेगा सारा अजर आप भी उसके साथ एडेड है। तबलीग शुरू करें, और तबलीग सबसे पहले खुद से, फिर अपने घर से, फिर अपने मोहल्ले से। ये मत सोचे कि अभी तो मुझे नहीं पता मैं जब आलिमा बनूंगी, और पिछले ही हमने पढ़ा कि उन्होंने इकरार कर दिया और उसके बाद वो फौत हो गए लेकिन अल्लाह ने मान लिया, हमें क्या पता हम तक जिंदा ही ना रहे। और यही बात है जिसने मुझे भी मोटिवेट किया था कि मैं इतनी डेंजरस कुर्सी पे आके बैठ जाऊं। मेरी प्यारी सहरबाजी, अल्लाह उन्हें करवट करवट जन्नत नसीब करे, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे और उनके लिए अगले जहां में ढेर सारी आसानियां करे। उनकी डेथ हुई और अल्लाह जानता है उधर हम उनको उनका कफन दफन करके जब वापस आए यहाँ पे आए तो मैंने अपनी माँ से कहा कि अगर मैं ये इंतजार करूं कि मैं इस काबिल हो जाऊंगी तो शायद वो वक्त कभी नहीं आएगा। मुझे नहीं पता मैं इस काबिल हूं नहीं हूं, लेकिन अल्लाह ने मेरे दिल में डाल दिया मुझे ये काम शुरू करना है और अल्लाह भरा करे इनका। इन्होंने कहा इधर आओ, उसी वक्त हम यहाँ पे खड़े हुए जहाँ पे आप लोग बैठे हैं, और हमने कहा ये ऐसे कर देते और ये कर देते और ये स्टार्ट कर देते। कभी ये ना सोचे कल किसने देखा, हो सकता है मैं कल ना, कम से कम ये तो कहेंगे हमने स्टेप तो लिया, एक कोशिश तो की। अपने लिए खुद टारगेट पॉइंट्स आप, कोई आपसे नहीं पूछेगा, अंदर का हाल सब अल्लाह जाने। अपने लिए टारगेट पॉइंट रखें और जरूर उस पे अमल पैरा हो। हजरत मौसब बिन उमैर ने हजरत अबू उमामा असद बिन जुरारा रजी अल्लाह ताला अन्हों के घर में कयाम फरमाया, फिर वो दोनों इस्लाम की तबलीग के लिए सरगर्म हो गए। एक रोज दोनों एक बाग में थे,
कि औस के सरदार साद बिन माज ने अपने चचेरे भाई उसैद बिन हुजैर से कहा, जरा जाओ और इन दोनों को जो हमारे कमजोरों को बेवकूफ बनाने हैं डांट दो। उसैद ने अपना नेजा लिया और इन दोनों के पास आया। उन्हें असद ने देखा तो हजरत मौसम रजी अल्लाह ताला अन्हु से कहा, ये अपनी कौम का सरदार तुम्हारे पास आ रहा है, इसके सामने अल्लाह की सच्चाई बयान करो। हजरत असैद आए और इनके पास खड़े होकर बोले, तुम दोनों यहाँ क्यों आए हो? हमारे कमजोरों को बेवकूफ बनाते हो। अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो तुम हमसे अलग ही रहो। हजरत मौसम रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, क्यों ना आप बैठें और सुने। देखिए, एक वो है जो छुटलाने वाला है, उसका रवैया, तुम क्यों यहाँ बैठे हो, तुम बेवकूफ बना रहे हो, निकलो यहाँ से। और उनका तरीका क्या है, आप बैठिए और सुनिए। कभी भी दीनदार बदतमीज नहीं, और अगर हम बदतमीज हैं तो हम दीनदार नहीं हैं। हजरत मौसम रजी अल्लाह ताला ने कहा, क्यों ना आप बैठे और सुने, अगर हमारी बात पसंद आए तो मान लेना, गवार गुजरे तो जो बात भी आपको नापसंद हो हम इससे रुक जाएंगे। दीन का, तबलीग का एक बहुत इंपॉर्टेंट नुकता, प्यार से बिठाइए। आप प्लीज बैठिए, एक दफा सुन लें, अगर आपको पसंद आए तो अमल कर लें, और अगर नापसंद आए तो ना सुन लें। आज जो भी तबलीग के लिए आते हैं वैसे बात करते हैं, अगर किसी का ताल्लुक हो तो वैसे ही बात करते हैं। वेल करेंगे, मेरी प्यारी, मेरे बहनों से तो खैर वो बात नहीं करते, मेरे प्यारे भाई 2 मिनट के लिए हमारी बात सुन लीजिए, हम दावत देने आए हैं। और ज्यादातर लोग क्या कहते हैं, जाओ जाओ हमारे पास टाइम नहीं है, वेयर बिजी। मुसलमान होते हुए हम उन्हें रात और तबलीग कैसे करनी है, ऐसे नहीं करनी कि क्रिटिसाइज, ओहो तुम तो नेल पॉलिश लगाती हो, तुम तो काफिर हो, तुम्हारे तो नाखून बड़े, तुम काफिर हो, तुम कपड़े ऐसे पहनते। नहीं, आप प्लीज मेरे पास बैठिए और सिर्फ अल्लाह का एक पैगाम सुन लीजिए। उन्होंने कहा तुमने इंसाफ की बात कही, तुम सही बात कर रहे हो, क्योंकि मुझे पसंद है तो मान लूंगा, ना ये तो नहीं मानूंगा। और अपना हरबा यानी नेजा जमीन में गाड़ कर बैठ गए। हजरत मौसम रजी अल्लाह ताला उन्होंने इस्लाम की बात की और कुरान की तिलावत फरमाई, और हजरत असीद रजी अल्लाह ताला उन्होंने दीने इस्लाम को पसंद किया और उसे कबूल कर लिया और हक की शहादत दी। हजरत असीद रजी अल्लाह ताला अन्हु वापस हुए और हजरत साद बिन मास को उनके पास भेजने के लिए एक हीला इख्तियार किया, यानी एक ट्रिक इख्तियार की। उन्होंने कहा, मैंने दोनों से गुफ्तगू की, वल्लाह मुझे तो कोई हर्ज नजर नहीं आया, वैसे मैंने इन्हें मना कर दिया है और इन्होंने कहा कि हम वही करेंगे जो आप चाहेंगे। अलबत्ता मुझे बताया गया है कि बनू हारिसा के लोग असद बिन जरारा को कतल करने निकले हैं, क्योंकि वो आपके खाला का लड़का है और ये लोग चाहते हैं कि आपका अहद तोड़ दें। वो मान गए, उन्होंने इस्लाम कबूल कर दिया, लेकिन जब वापस गए तो एक बहाना कहा कि वो लोग कह रहे हैं जैसे आप कहेंगे हम करेंगे, झूठ भी नहीं था। उन्होंने कहा कि पसंद आई तो कर ले, वरना जैसे आप कहेंगे हम रुक जाएंगे। लेकिन वो आपके खाला के बेटे हैं, मैंने सुना फलाने बंदे उन्हें कतल कर रहे हैं, आप क्यों नहीं जाते, क्या है, कनेक्ट कर रहे हैं, उनको मिला रहे हैं। इस पर हजरत साद रजी अल्लाह ताला ने भड़क उठे और बिगड़े हुए इन दोनों के पास पहुंचे। इनके साथ भी हजरत मौसम रजी अल्लाह ताला उन्होंने वही सलूक किया, उनको भी वैसे ही प्यार से बिठाया। हजरत असीद रजी अल्लाह ताला के साथ क्या किया था, अल्लाह ने उन्हें भी इस्लाम की हिदायत दे दी, चुनाचे वो मुसलमान हो गए, हक की शहादत दी। फिर कौम में वापस गए और कहा, ए बनू अब्दुल शहल तुम लोगों की मेरे बारे में क्या राय है? उन्होंने कहा, आप हमारे सरदार हैं और आपसे अच्छी सूझबूझ रखते हैं, और आप सबसे अच्छी सूझबूझ रखते हैं। हजरत साद रजी अल्लाह ताला उन्होंने कहा, अच्छा तो तुम्हारे मर्दों और औरतों से मेरी बातचीत हराम है जब तक कि तुम लोग अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान नहीं लाओगे। इन्फ्लुएंशियल थे, पावरफुल थे, एक महफिल में गए और क्या कहा कि मुझे कैसा पाते हैं? उन्होंने कहा, आप बहुत अच्छे हैं, आप सही बात करते हैं, आप दुरुस्त। उन्होंने कहा, ठीक है, मैं तुम लोगों से बात तब तक नहीं करूंगा जब तक कि अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान ना लाओगे। नतीजा ये हुआ कि शाम तक कोई भी मर्द और औरत ऐसा ना था जो मुसलमान ना हो गया। अल्लाह अकबर, क्या सिखाया जा रहा है? अगर आपको अल्लाह ने पावर दी है, आपकी पर्सनालिटी ऐसी है कि आपको पता है कि लोगों पर असर होता है, आप अपनी फैमिली के इन्फ्लुएंशियल पीपल्स में से भी हैं, तो क्या करें, जाके दावत हक जरूर दें कि तुम मुझसे मोहब्बत करती हो, तुम मेरी कितनी प्यारी बहन हो, तुम अल्लाह पे ईमान ले आओ। और दावत देने का तरीका क्या है, सब बहुत नरम, बहुत तमीजदार तरीके से। दूसरी बैत अकबा, पहली बैत अकबा कब हुई थी, हज के बाद 12 नबी में, और कितने लोग थे उसमें, 10 हिजरिज के और 2 औस के। अब दूसरी बैत होने वाली है, उनसे बैत हुई, उन्होंने इस्लाम कबूल किया और उन्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक काम दिया कि आपने जाना है और दीन की तबलीग करनी है। अब दूसरी बैत अकबा,
मौसम हज सन 13 नबी में यसरब के बहुत से मुसलमान और मुशरिकीन हज के लिए आए। मुसलमानों ने तय किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का के पहाड़ों में चक्कर काटते, ठोकरे खाते और खौफो हिरास के आलम में ना छोड़ेंगे। चुनाचे उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दर पर्दा राब्ता किया और अयामे तशरीक के दरमियाने रोज रात के वक्त जमराए अकबा के पास घाटी में इज्तिमा मुनक्कद करने पर इत्तफाक किया। उन्होंने क्या कहा कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफों के लिए अकेला नहीं छोड़ेंगे। तो उन्होंने रात के वक्त जमराए अकबा के पास घाटी में इकट्ठे होने का प्लान किया। क्यों रात को प्लान किया? ताकि इजीली मिल सके, क्योंकि मुशरिक उस वक्त बहुत एक्टिव थे। मुकर्रा दिन ये लोग अपनी कौम के साथ अपने डेरों में सो गए और जब रात का पहला तहाई हिस्सा गुजर चुका तो चुपके चुपके एक एक दो दो आदमी निकल कर अकबा के पास जमा हुए। ये कुल 73 आदमी थे। पहले कितने थे और अब अल्लाह ने कितने कर दिए? 73 आदमी थे, 62 हिजरत के और 11 ओस के। इनके साथ ये दो औरतें भी थीं, नसीबा बिन्त काब बिन नजार और अस्मा बिन्त उमर बनू सलिमा से। दो औरतें भी थीं और 62 हिजरत से और 11 ओस से लोग थे। अल्लाह चाहे तो ये कबीला बढ़ता जाता है। जैसे मुझे याद है कि अहमदुल इलाह की जब फर्स्ट क्लास हुई थी तो हम यहाँ बैठे थे और उसमें गिने चुने चंद लोग थे। अल्लाह ताला ने इतनी बरकत डाली कि अब अल्हम्दुलिल्लाह इतने लोग हमारे साथ शामिल हो गए। अल्लाह कबूल करे। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। आपके साथ आपके चचा हजरत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब भी थे। वो अभी तक अपनी कौम के दीन पर थे लेकिन चाहते थे कि अपने भतीजे के मामले में मौजूद रहें और इनके लिए ठोस इत्मीनान हासिल करें। उन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया था हज़रत अब्बास ने अभी तक, लेकिन आपके साथ खड़े थे ताकि आपको कोई नुकसान ना पहुंचाए। सबसे पहले हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला उन्होंने बात की। उन्होंने कहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कौम और अपने शहर में इज्जत और हिफाजत के साथ हैं, लिहाजा अगर तुम्हारा ये ख्याल है कि तुम उन्हें जिस चीज की तरफ बुला रहे हो इसे निभाओगे और इन्हें इनकी मुखालिफिन से बचा लोगे तो तुमने जो जिम्मेदारी उठाई है इसे तुम जानो, वरना इन्हें अभी छोड़ दो। कैसे बड़े प्रोटेक्टिव होते हैं कि आप अभी अपने घर में हैं, अपने प्यारों के पास हैं, इज्जत और हिफाजत के साथ हैं। अगर तुम ये पक्का वादा करते हो कि वहां पे उन्हें यसरब ले जाओगे, उनकी हिफाजत करोगे और उनके साथ खड़े रहोगे तब कहना, वरना इनको यहीं पे छोड़ दो। इसके जवाब में अहले यसरब के तर्जुमान हजरत बरा बिन मरू रजी ताला अन्हों ने कहा, हम सिद्क व वफा का और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अपनी रूहें निछावर करने का इरादा रखते हैं, लिहाजा ए अल्लाह के रसूल आप बात कीजिए और अपने लिए और अपने रब के लिए जो अहदो पैमा पसंद हो ले लीजिए। उन्होंने क्या किया? हम पक्का इरादा करते हैं कि हम अल्लाह के रसूल के साथ खड़े रहेंगे। आप अल्लाह के रसूल जो अल्लाह की बात है बयान कीजिए, जो हमसे लिखवाना है, जो अहद देना है, जो पैमान लेना है वो ले लीजिए। इसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुफ्तगू फरमाई, आपने कुरान की तिलावत की, अल्लाह की तरफ दावत दी, इस्लाम की रग़बत दिलाई और अपने रब के लिए ये अहद किया। तरीका क्या होता है? सबसे पहले किसी को अल्लाह के बारे में बताएं, कुरान की आयतों से शुरू करें, उसकी तिलावत करें, अल्लाह का कलाम तो पेश करें, हक की दावत दें, उसके बाद क्या करें, अल्लाह की तरफ दावत दें, फिर इस्लाम की तरफ ले जाएं। फिर आपने क्या फरमाया? अपने रब के लिए ये अहद लिया, तन्हा इसी की इबादत करोगे और इसके साथ किसी चीज को शरीक नहीं करोगे। ये लिखिए आप और अपने नाम लिखिए, सबसे पहले अपना नाम ऊपर लिखिए। और ये जो पॉइंट्स हम बोल रहे हैं, इनको नीचे लिखिए और ये अपने लिए पॉइंट बन, तन्हा इसी की इबादत करोगे, इसी किसी की अल्लाह की इबादत करोगे और इसके साथ किसी चीज को शरीक नहीं करोगे। अहले यसरब ने कहा, हम किस चीज पर आपसे बैत करें? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चुस्ती और सुस्ती हर हाल में बात सुनोगे और मानोगे। लिखिए, चुस्ती और सुस्ती हर हाल में बात सुनोगे और मानोगे, तंगी और खुशहाली हर हाल में माल खर्च करोगे। ये नहीं कि बहुत पैसे हैं तो दीन के रास्ते में खर्च करूंगी, लेकिन अगर अभी तंगी हो गई है तो अब दीन के रास्ते में पैसे नहीं खर्च करूंगी। तंगी और खुशहाली हर हाल में माल खर्च करोगे, भलाई का हुक्म दोगे और बुराई से रोकोगे।
और ये हम सब पे फर्ज है, भलाई का हुक्म देंगे, बुराई से रुकेंगे, अल्लाह के रास्ते में उठ खड़े होंगे और उसके बारे में किसी मलामत गर की मलामत तुम्हें ना रोके। अल्लाह के रास्ते में जो करना पड़ेगा उठ खड़े होंगे, किसी के रोकने से नहीं रुकेंगे। और जब मैं तुम्हारे पास आ जाऊं तो मेरी मदद करोगे, और जिस चीज से अपनी जान और अपने बाल बच्चों की हिफाजत करते हो इससे मेरी हिफाजत करोगे, और तुम्हारे लिए जन्नत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो इस दुनिया से पर्दा फरमा चुके हैं, हमारे पास कैसे आएंगे? हमारे पास आ चुके हैं इस सीरत और हदीस के सूरत। हमारा का काम है अपनी जान से ज्यादा सुन्नतों की हिफाजत, सीरत की तालीम को आम कीजिए अपने साथ। ये असाइनमेंट है इस दफा के लिए, जितने लोग सुन रहे हैं अपने घर वालों को सीरत से जोड़िए। यकीन जाने कहने को तो ये किताब है ना, ये जब मुकम्मल होगी ना आपका लेवल और होगा, जो एक बंदा जिसको नहीं पता उसका लेवल और होगा। हम पता है क्या करते हैं, नेकी खुद तो कर लेते हैं, साथ मिलाते नहीं। ये आप सबकी असाइनमेंट। अल्हम्दुलिल्लाह अमतुल इलैह की ऑनलाइन लेक्चर्स रिकॉर्डेड भी मौजूद है। आप लोगों ने इस तरह स्प्रेड करने की, एक बंदा भी अगर इससे जुड़ गया तो आपके लिए क्या बन गया? सदके जा रही है। ये प्रमोशन के लिए नहीं कह रही, क्योंकि ये सिर्फ काम अल्लाह के लिए, लेकिन हमारा काम है कि हम दूसरों को बुलाएं। तो आपने अपनी लिस्ट में सबको सेंड कर, जिसको अल्लाह ने तौफीक दी वो सुन लेगा। हमारा काम क्या है? स्प्रेड करना, अच्छी चीज को स्प्रेड करना। और एक और अपना एम बनाए कि आज से जो भी मैं मैसेज फॉरवर्ड करूंगी सबसे पहले मैं उसकी तस्दीक करूंगी वो रियलिटी में है कि नहीं, और कोशिश करूंगी कोई ऐसा मैसेज हो जो मेरे लिए सदका जारिया बने। कोई पढ़ के, हो सकता है एक दुआ हो उसको एक दफा पढ़ ले और उसके लिए सदका जारिया बन जाए। हजरत आबादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से एक रिवायत में है कि हमने इस बात पर भी बैत की कि हुकूमत के बारे में अहले हुकूमत से नजर ना करेंगे, यानी दुनियावी ओहदों के पीछे नहीं भागेंगे। इस पर हजरत बर्रा बिन मरूर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ पकड़ा और कहा, हाँ उस जात की कसम जिसने आपको हक के साथ भेजा है, हम यकीनन इस चीज पर आपकी हिफाजत करेंगे जिससे अपने बाल बच्चों की हिफाजत करते हैं, लिहाजा आप हमसे बैत लीजिए। अल्लाह की कसम हम फर्जदाने जरब व हर्ब हैं और हथियार हमारा खिलौना है, हमारी यही रैयत बाप दादा से चली आ रही है। मदीना को अल्लाह सुभान व तआला ने क्यों चुना, क्यों मदीना की तरफ हिजरत करवाई? कभी सोचने की बात है ना, मक्का में थे उसी को क्यों नहीं अल्लाह ने चुन लिया? मदीना को क्यों अल्लाह ताला ने चुना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां पे हिजरत कर जाएं? सोचने की बात है ना, लेकिन हमने सोची नहीं है। इसका रीजन ये है कि अहले मदीना बहुत बहादुर थे, हर वक्त लड़ाई झगड़ा जो है वो करते रहते थे। और यहाँ आप जो ये कह रहे हैं हम फर्जदाने जरब व हर्ब हैं और हथियार हमारा खिलौना, ये लड़ना इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं, बहादुर थे, जंगजू थे। अगर बहादुर लोग, जब हमने देखा कि हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खड़े हुए तो खुल के नमाज पढ़ी, तो जब बहादुर लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खड़े हो जाते तो इस्लाम को क्या मिल जाती? कुव्वत। इसीलिए अल्लाह सुब्हान व तआला ने मदीना को चुना। इतने में अबुल हसीम बिन तेहान ने बात काटते हुए कहा, ए अल्लाह के रसूल, हमारे और कुछ लोगों के दरमियान अहदों पे मां की रस्सियां हैं और अब हम इन्हें काटने वाले हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम ऐसा कर डालें फिर अल्लाह आपको गलबा अता कर दे तो आप हमें छोड़कर अपनी कौम के पास पलट आए। अब उन्हें डाउट हो गया कि ये ना हो कि हम आपके साथ आ जाए, ये ना हो कि जब आपको गलबा हो जाए आप हमें छोड़ दे। ऐसे होता है ना कि मैं तो आपसे इतनी मोहब्बत करती हूँ, मैं आपके साथ जुड़ गई हूँ, मैं आपको सबको बता रही हूँ, ये ना बाद में आप कहें मैं तो आपको जानती ही नहीं हूँ। इस पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबस्सुम फरमाया और कहा, नहीं बल्कि खून खून है और बर्बादी बर्बादी है, मैं आप लोगों से हूँ और आप लोग मुझसे हैं, जिससे आप जंग करेंगे मैं जंग करूंगा और जिससे आप सुलह करेंगे मैं सुलह करूंगा। एक दाई दीन या एक लीडर के लिए बहुत बड़ा अमल का नुकता है कि जब एक
प्यारी सी ग्रुप उसके साथ जुड़ जाता है, तो वो ग्रुप उससे है और वो उस ग्रुप से है, ऐसे ही है। और हम सब दीन इस्लाम से हैं, इस बात को याद रखें। और हमारा एम क्या है, किसी एक नाम को प्रमोट करना नहीं, अल्लाह के दीन को प्रमोट करना। ठीक इस फैसला को लम्हे में हजरत अब्बास बिन अबादा बिन नजला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आगे बढ़े। उन्होंने कहा, आप लोग जानते हैं कि इनसे किस बात पर बैत कर रहे हैं? इंटेलिजेंट से खड़े हो गए, आपको समझ भी आ रही है कि आप किस बात पे बैत कर रहे हैं? क्यों क्यों ये कहा गया? कई दफा जब बहुत हम सांबिया बैठे हैं ना क्लास में, आपके ईमान का लेवल और होता है, लेकिन जैसे क्लास खत्म होती है ईमान कम होता जाता है ना, कि अभी इतनी गरम गरम बात हो रही है, अभी तो सारे हो जाएंगे, लेकिन इनको रियलाइज भी हो रहा है कि ये कह क्या रहे हैं, कितनी बड़ी बात कर रहे हैं। उन्होंने क्या कहा, आप लोग जानते हैं इनसे किस बात पर बैत कर रहे हैं? इनसे सुर्खो सया सारे इंसानों से जंग पर बैत कर रहे हैं। इसलिए अगर आपको अंदाजा है कि जब आपके अम्बाल का सफाया करा दिया जाएगा और आपके अशराफ कत्ल कर दिए जाएंगे और आप इनका साथ छोड़ देंगे, तो फिर अभी से छोड़ दीजिए, क्योंकि ये दुनिया और आखिरत की रुसवाई है। और अगर आप लोगों का ये ख्याल है कि माल की तबाही और अशराफ की कत्ल के बावजूद अहद निभाएंगे, तो फिर उन्हें ले लीजिए, क्योंकि ये वल्लाह दुनिया और आखिरत की भलाई है। कहने को तो मैं कह दूं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलल्लाह, लेकिन इसका हक अदा ना करूं, इस बात को समझूं ना कि जब मैंने एक मुसलमान ने कलमा पढ़ लिया है, एक्सेप्ट कर लिया है कि मेरा अल्लाह सिर्फ, मेरा माबूद सिर्फ अल्लाह है, तो वो इस्लाम के सर्कल में आ गए, अब तो उससे बाहर नहीं निकल सकता। ये शहादत गए उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना, आज हम मुसलमान होते हैं कलमा पढ़ लेते हैं लेकिन शरीयत ही फॉलो करना चाहते हैं। 5 नमाजें पढ़ें, अब हम पार्टियां ना करें, अब हम गाने बजाने ना करें, अब हम एंजॉय ना करें, ना करें, क्योंकि आपने खुद कलमा पढ़ लिया है। ये उसी तरह की रियलाइजेशन है जैसे हमें होनी चाहिए कि आप तो बैत कर रहे हो, तो जब ये सब कुछ होगा तो तुम मान लोगे? तो लोगों ने कहा, हम उन्हें माल की तबाही और अशराफ के कत्ल के खतरे के बावजूद साथ लेते हैं, अल्लाह के रसूल बतलाइए इसके बदले हमारे लिए क्या है? आपने फरमाया जन्नत। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई दुनिया का वादा नहीं किया कि तुम्हारे लिए मैं ये चीज कर दूंगा, ये चीज कर दूंगा, ये चीज कर दूंगा। क्या कहा, तुम्हारे लिए क्या होगी? जन्नत, ईमान बिल गाइब। हमारा नेकी की तरफ आना, अल्लाह की राह में कोशिश करना सिर्फ अल्लाह को राजी करने के लिए होना चाहिए, क्योंकि अल्लाह की रजा के साथ जन्नत तो साथ ही एज अ गिफ्ट आते। कोई भी कदम उठाएं, कोई भी नेकी करें, तो आपकी पीछे क्या होनी चाहिए उसकी नियत, कि अल्लाह की रजा हमें मिल जाए। आपने हाथ फैलाए और लोग बैत के लिए लपके, मगर ऐन इसी वक्त आपका हाथ हजरत असद बिन जरारा ने पकड़ लिया और कहा, फिर पकड़ लिया एक और बंदे ने। बीच में क्या आ रहा है, लोगों को क्या करा रहे हैं अवेयर, सोच लो सोच लो सोच लो। फिर उनका हाथ पकड़ लिया और कहा, क्या अहले यसरब जरा ठहरो, हम आपकी खिदमत में ऊंटों के कलेजे मार कर लंबा सफर करके इस यकीन के साथ हाजिर हुए हैं कि आप अल्लाह के रसूल हैं, आज आपको यहाँ से ले जाने के मानी है। सारे अरब से दुश्मनी, अपने चीदा सरदारों का कत्ल और तलवारों की मार, अब अगर आप लोग ये बर्दाश्त कर सके हैं तो उन्हें ले लें, और आपका अजर अल्लाह पर है। और अगर आप लोग अपने मुतल्लिक कोई अंदेशा रखते हैं तो उन्हें अभी से छोड़ दें, ये अल्लाह के नजदीक ज्यादा काबिले उजर होगा। किसी को लगता है ना मैं दीन फॉलो नहीं कर सकती, छोड़, क्योंकि जब कलमा पढ़ लेते हो फिर तो कोई एक्सक्यूज ही नहीं। कलमा पढ़ लेना और दीन की बात जानते हुए अमल ना करना हमें क्या बनाता है? मुनाफिक। और उससे भी हद दर्जा क्या बनाता है? फासिक। अगर हम खुल के गुनाह करते हैं और बुराई को बुराई नहीं समझते तो हम मुनाफिक से फासिक भी बन जाते हैं, और ये दोनों जहन्नुम के सबसे निचले दर्जे में। हम काफिरों को बुरा समझते हैं ना, मुशरिकों को, वो हमसे ऊपर ही होंगे अगर हमने कलमा पढ़ भी लिया फिर भी अल्लाह की शरीयत को फॉलो नहीं किया। लोगों ने कहा, असद अपना हाथ हटाइए, वल्लाह हम इस बैत को छोड़ सकते हैं ना तोड़ सकते हैं। इसके बाद एक एक आदमी ने उठकर बैत की और रिजा तरीन कॉल के मुताबिक
सबसे पहले बैत करने वाले खुद हजरत असद बिन जरारा रजी अल्लाह ताला अन्हो थे, एक कौल ये है कि अबुल हसीम बिन तेहान रजी अल्लाह ताला अन्हो थे, एक कौल ये है कि हजरत बर्रा बिन मरूर थे। दोनों औरतों की बैत सिर्फ जबान से हुई, इनसे मुसाफेहा नहीं किया गया। बैत औरत से मुसाफेहा नहीं किया गया। और ये हमें क्या सिखाता है? क्या आज हम तीन औरतें किसी भी पीर फकीर के आगे बैठ के उसकी बैत कर सकते हैं? और अगर कोई भी ऐसा बंदा है जो हमें किसी भी तरह से अगर टच करता है वो सही होगा? कभी भी नहीं। ये क्लियर पॉइंट्स हैं। अल्लाह से डरने वाला कभी किसी गैर महरम को बेटी समझ के भी आपको बताएगा? खौफ होगा उसको। अपने घरों से ना ये चीज खत्म कीजिए। आज हम समझते हैं शायद सर पे हाथ फेर देना, ये करना मत कर, मत कर, दूर से सलाम। फितनों का दौर आ चुका है, क्या महरम और क्या गैर महरम कुछ रहा ही नहीं। तो ये डिस्टेंसेस बेयर कीजिए ताकि कल किसी नुकसान के आप किसी नुकसान में आप ना फंस जाए। ये थी दूसरे बैते आपका। कितना मजा आया, मुझे तो बहुत। लेकिन जितना आगे बढ़ते जा रहे हो ना, हाँ अपने आप को मैं कह रही थी मोहतरमा, जितना आगे बढ़ती जा रही है उतना डरने की भी जरूरत है। इल्म आ रहा है, समझ आ रही है, अच्छा बुरा पता चल रहा है। इसके बाद अगर ना माना तो क्या बन गई? खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे किसी को के मुनाफे। और फिर अलल ऐलान खुदा करने लगी तो बन गई पास। अल्लाह सुबहानो ताला हमें अमल की तौफीक दे। हम ऐसे मुसलमान हो जो बहुत प्राउड हो, जो अपने दीन पे बहुत खुश हूँ। और यकीन जानिए मेरी जिंदगी तो जो जिन लोगों को पता है, पहले मेरी जिंदगी में इतनी बदसकूनी, इतनी इरिटेशन और पता नहीं, मैं कहती मेंटल डिप्रेशन ही था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब से दीन मेरी जिंदगी में आया सुकून, क्योंकि हर चीज वाजे है, हक और बातिल क्लियर नजर आए। आप कश्मकश का शिकार नहीं हुए। और आप सबके लिए मेरी दिल से दुआ है, और अपने प्यारे बच्चों के लिए भी, अपने प्यारे अजीज और अकारिब के लिए भी, कि अल्लाह हम सबको दीन की बेहतरीन समझ दे, हमको हिदायत दे, हमें सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फॉलो करने वाला बना दे, और हम एक प्राउड मुस्लिम। سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.